पूरा जोश और उत्साह है और जिस तरह से लोगों का साथ और प्यार दर्शाया जा रहा है, मैं तो ये मानता हूँ ऐतिहासिक अंतर से अहलाबाद की सीट को गठबंधन का उम्मीदवार भाई गोविंद जी जीतने का काम करेंगे और जीतेंगे नहीं, एक इतिहास बनाया जाएगा जहाँ आज जिस तरीके का अहंकार लोगों को दिखाया जाता था, कहीं ना कहीं उस भय और अहंकार के ऊपर जीत गठबंधन की हो। तो हम विपक्ष में थे, क्या विरोध नहीं किया करते थे? नहीं, विरोध होता था, विरोध तो सत्ता का होता रहता है, पर आज के दिन जन भावनाओं का साथ आना और जन भावनाओं का जिस तरह जुड़ना है, मैं ये मानता हूँ कि ऐतिहासिक तरीके वोटों से हम सर अभय सिंह चौटाला कहते हैं यहाँ पर किसी चलो एक चीज आपको बता देता हूँ कि मैं तो उनको कभी सीरियसली लेता नहीं, मगर जमानत की जहाँ बात कर रहे हैं, वो खुद रिजल्ट वाले दिन पूरे आखिरी बूथ की काउंटिंग तक बूथ में दिख जाए, यही बहुत बड़ी बात होगी। जहाँ गढ़ की बात करी जाती है, वो तो राजे महाराजाओं की होती है, और अभी मैं कह के हटा हूँ कि अगले ने किसी की सुनी नहीं और उसको कुछ आता नहीं था। आज इनेलो की जो हालात है 32 से 20, 20 से 1 और आज 0 पे जो आई है, मुझे लगता है गढ़ आज के दिन खंडर बनने की तैयारी में। तो अभी संजय कहती है कि बीजेपी जेजेपी ने काम कराना होता तो पूरे 7 साल के पास वो काम नहीं करा सकते। कुमारी शैलजा जी सांसद रही है सिरसा की, और मैं तो चाहूंगा कि आज वो सिरसा में घूमे, प्रचार में घूम रही है, वो खुद देखे कांग्रेस के 10 साल के राज में जहाँ एक सड़क एक कार ही नहीं लगी। आज 2 साल के अंदर हमारी सरकार ने उन तमाम सड़कों को दोबारा बनवाने का काम किया, जिन गांवों में सेम का पानी रहता था वहाँ पानी निकालने की व्यवस्था करी है। जो उनका उम्मीदवार है उस उम्मीदवार के खुद के गांव में इतनी सेम रही, 10 साल में कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं उस इलाके को विकसित करने का काम किया? डॉक्टर साहब जिस तरह बोल के गए थे एक थी नेलो तो शून्य हो जाएगा।